में वैक्सीनेशन की कमी के बीच के अनूठे अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। इसमें एक फोन कॉल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गली गली और घर पहुंचकर वैक्सीन लगवाएगी। संभवतः देश भर में पहला अभियान होगा। दमाड़ी चौक में लोगों के बुलाने पर मेडिकल टीम पहुंची, जहां इंडिया न्यूज राजस्थान के संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत भी की है। रिपोर्ट देखिए। जिला कलेक्टर ने नई पहल करते हुए आज 45 से ऊपर आयु के लोगों को लिए टीकाकरण के लिए 10 से 10 अधिक होने पर उन्हें मोबाइल वैन उपलब्ध कराई और टेलीफोन के जरिए सूचना मिलने पर मेडिकल टीम पहुंचकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आइए हमारे साथ किस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मोबाइल नंबर है क्या? जिला कलेक्टर जो नमित मेहता ने आज जो है पहल की है और ये सराहनीय पहल हिंदुस्तान में पहली बार जो हुआ है और बीकानेर में ये एक अनोखा है। आइए हमारे साथ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अनूठी पहल के माध्यम से हमने ये सबसे पहले तो मोबाइल वैन की व्यवस्था की थी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन इलाकों में वैक्सीनेशन जो 45 प्लस के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन करवाया जाए। और उसके बाद में आज सोमवार से ये एक विशेष और जारी हुई है कलेक्टर महोदय के द्वारा कि घर घर वैक्सीनेशन करवाया जाए। उसमें हम ये चाहते हैं कि जो लोग घर से बाहर किन्हीं कारणों से नहीं निकल पा रहे हैं उनका वैक्सीनेशन जो है हमारी टीम कॉल जैसे ही कॉल हमें प्राप्त हो कॉल सेंटर पे उसके द्वारा 10 या 10 के गुणक में अगर हमें व्यक्ति मिलते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो हमारी टीम उनके घर पे जाके और वैक्सीनेशन कर सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम होगी बीकानेर शहर के लिए और राजस्थान के लिए, जिससे हमारे 45 प्लस का लक्ष्य जो है हम अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप ये आज इस तरह से व्यवस्था की गई है, आप क्या मानते हैं इस व्यवस्था? मैं ये जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो बीकानेर में वैक्सीन का कार्य किया जा रहा है उसमें आम लोगों को राहत मिल रही है। घर घर जाके टीका जो ये मेडिकल टीम लगी हुई है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि वो अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इस कोरोना को भगाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए मैं कलेक्टर साहब का और मेडिकल टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आगे सवाल व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में जो महामारी आ रही है उसको नियंत्रण करने के लिए जो टीकाकरण किया गया है उसके लिए मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि और बढ़ावा दें और अपनी ये वैक्सीन का उपयोग लेते हुए इस शहर में कोविड-19 को भगाएं और उसका पूर्ण लाभ लें जो हमारे जिला महोदय जिला कलेक्टर महोदय और आप किस तरह मानते हैं जिला कलेक्टर ने यही पहल की और श्री अशोक गहलोत जी की भावना के अनुरूप जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा ये बहुत ही सराहनीय पहल की गई है और बड़े गर्व की बात है कि बीकानेर पूरे देश में पहला ऐसा जिला है, पहला ऐसा शहर है जहाँ पर यह व्यवस्था लागू की गई है कि बुजुर्गों के लिए उनके घर तक जो है वो मोबाइल वैन द्वारा बाइक द्वारा ये लोग जो कोरोना की वैक्सीन उनको लगाने के लिए पहुँच रहे हैं और उनको कोरोना से जो कवच प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय पहल है और इसके आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। कोविड का टीकाकरण आज बीकानेर में कई जगह हो रहा है जहाँ टेलीफोन के जरिए 10 से या 10 से अधिक लोग इकट्ठे हो और टेलीफोन करें और मेडिकल टीम पहुँच कर उनका कोविड टीकाकरण किया जा रहा है और ये बीकानेर की बहुत बड़ी शुभ संकेत है कि कोरोना बीकानेर से मुक्त होगा। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी।